हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंकिता है और अब मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है और मेरा रंग गोरा है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 2 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 1 साल 4 माह बाद हुआ था और अब 9 माह का है। जब वह 4 माह का था तब मेरे पति का तबादला दुबई में हो गया था क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 12 माह के बाद 1 माह के लिए भारत आने की इजाजत थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे 4 माह के बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले न रहें इसलिए मेरे पति ने मेरे ससुर यानी कि अपने पिताजी को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 46 साल की थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी सास की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। पापा जी आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर्ड होने के बावजूद वह बहुत फुर्तीले थे। आर्मी में आर्मी के तौर तरीके और तहजीब वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करते तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और इस आयु में भी वह एकदम 30 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी वह सासू माँ के साथ हमारे घर आकर रहते थे तो मेरे पड़ोस ने उन्हें मेरे पति के बड़े भाई ही समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 7 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहरवासियों जैसा है, इसीलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटा देते थे। मुझे और मेरे पति को करना बहुत पसंद है और शादी के बाद कई दिन तक हम ऐसा नहीं था कि हम अब मेरे पति को दुबई गए हुए लगभग 7 माह हो चुके थे और इन 7 माह में पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नजर नहीं आता था। लेकिन 5 महीने मुझे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह भी मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई पापा जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वे कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वे कहां गए होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासावश उठी और जल देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में है। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। पापा जी अपने महाराज की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभालती तभी मैंने देखा कि पापा जी जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। ये सब देखकर मेरी नजर में जोर से एक लंबी सांस निकाली जिसे सुनकर पापा जी ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तुम यहाँ पर क्या कर रही है? उनके गुस्से से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज दिए वहां से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर उसे उनके दोनों के लिए जाना पड़ा। तब बिल्कुल भी पापा सामान्य तरीके से पेश आए, इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नजारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब वह चुप नहीं हुआ तो मैं उसे पापा जी के कमरे में ले गई और उन्हें देकर उनसे चुप करवाने का आग्रह किया। पापा जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया तो उन्हें मेरे बेटे के पेट पर तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटा चुप होकर उनकी गोदी में सो गया। पोते को दादा के पास छोड़कर मैं अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि अगर मैं पापा जी को अपनी झलक दिखला दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके अपने गुलाबी रंग का पारदर्शी सा नाइट सूट गाउन पहना, फिर बेटे को पापा जी के कमरे में लेने के लिए गई। पापा जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एक टक टक देख ही रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैंने पापा जी से बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह उन्हें देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, पापा जी ये सो गया है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब हड़बड़ाकर उन्होंने कहा, ये अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसीलिए इसे अभी यहीं रहने दूं। मैं हाँ करती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को दूध पिलाया ही नहीं। मैं उठी और पापा जी के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गए हैं। तब मैंने मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटे को अपने पास खींचा
और इतने में पापा जी की नींद में ही करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं बैठकर पापा जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं क्रिकेट खेलकर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती और इसलिए मैंने अपनी सारी झिझक छोड़ी और मैं ससुर जी के पास जाकर बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद पापा हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और ससुर जी जाग गए हैं। उसकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब एक घंटे के बाद पापा जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। मुझे अभी मजा आना शुरू ही हुआ था कि पापा जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर एक लाइट जलाई और वह कच्चे होकर मुझे देखने लगे। मैंने जवाब दिया, पापा जी मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। पापा बोले, मैंने ऐसा करने को कब कहा है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ कर देना चाहिए था। पापा जी फिर बोले, मैंने आज तक आपको कोई भी आदेश का इशारा कभी नहीं टाला, तो मुझे कैसे मना मानती? मैंने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था जिससे यह सब तुम्हारी सांस कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, पापा जी तो क्या हो गया? अगर मैंने इशारे को आपका देह समझकर आपकी सेवा भी कर दी तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गए हैं। अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि वह कुछ कहे और बात ज्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई। पापा जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गर्म है और चोट मारने का समय आ गया है। बस दोस्तों, मेरा ससुर अब निकल चुका था। उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे मेरे ससुर मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। मेरे ससुर ने मेरे साथ लगभग 2 से 3 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। उन्होंने मेरे साथ मेरे पति से भी अच्छा क्रिकेट का खेल खेला था। उन्होंने मुझे इतने दिनों में बहुत संतुष्ट कर दिया था और अभी ये खेल रोज चलता है।